सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री की एक वीडियो और कवर करी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, बैटल्स और मूवमेंट कवर करे हैं, राइट। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेसिफिकली एमसीक्यूज कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम रिलेटेड। चलिए, पहला क्वेश्चन है, Who among the following was responsible for the revival of Hinduism in 19th century? So, he was Swami Vivekanand. Right? Then we have the first woman president of the Indian National Congress. ठीक है, पूछ रहे हैं first woman कौन थे? So, she was Annie Besant. Was the first woman president of Indian National Congress. She presided over the 1917 Calcutta session of the Indian National Congress. उसके बाद अगर Indian पूछा जाए, तो then she would be सरोजनी नायडू। चलिए, महात्मा गांधी लॉन्च द लेजेंडरी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब हुआ था? स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ये कब, ये किसके द्वारा करा गया था? ये करा गया था बाय आर महात्मा गांधी जी इन 1932। किस लिए करा गया था? टू इरेडिकेट अनटीचेबिलिटी। ठीक है, चलिए, देन वी हैव द रामकृष्ण मिशन, ये किसके द्वारा फाउंड करा गया था? दिस वाज बाय स्वामी विवेकानंद, फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, कहां पर? बेलूर में, नियर कैलकटा। साल था 1897। द सर्वोदय मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, सर्वोदय मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? दिस वॉज ऑल्सो अगेन बाय महात्मा गांधी, और इसमें विनोद भावे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, राइट। देन कैबिनेट मिशन, द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया टू, किस लिए भेजा गया था? इट वॉज सेंट टू एज एस्टैब्लिश अ नेशनल मूवमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, टू वर्क आउट प्रोसेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड टू डिस्कस जिन्नाज डिमांड फॉर पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर 1 एंड 2। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था और establishment of a national government, ठीक है, ये दो वजहें थे जिस वजह से कैबिनेट मिशन को भेजा गया था इंडिया। देन वी हैव द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसको कहा जाता है? गांधी जी, दादा भाई नरोजी, सी आर दास या फिर जस्टिस रानडे। सो दिस वॉज गिवन टाइटल टू दादा भाई नरोजी। चलिए, Which of the who is referred to as Deshbandhu? तो Deshbandhu किसको refer करा जाता है? So this was referred to as ये चित्रंजन दास को refer करा जाता था, Deshbandhu। Who founded the नौजवान भारत सभा? ये किसके द्वारा करी गई थी? This was by सरदार भगत सिंह, right? चलिए, next we have which of the following pairs is correctly matched? तो इसमें से करेक्टली मैच्ड है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबॉलिशन ऑफ सती करी थी। अब देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा करा गया था? सो इट वाज बाय लॉर्ड डलहौजी। देन वी हैव द सब्सिडरी अलायंस, ये किसके द्वारा करा गया था? ये करा गया था बाय लॉर्ड वेलेस्ली, और पार्टीशन ऑफ बंगाल था बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? दिस वॉज साइंड ऑन 5th मार्च 1931। Then we have at which place did Gandhi ji had the first experience of mass movement in India? So this was Champaran. ठीक है, सबसे पहले चंपारण में था, फिर then we have Ahmedabad और उसके बाद था खेड़ा। चलिए, next question क्या है? Why were the Indians dissatisfied with the Simon Commission? तो Simon Commission से लोग नाखुश क्यों थे? क्योंकि उसका सबसे बड़ा reason था कि कोई भी Indian members involved नहीं करा गया था उस commission में। जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। देन हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? सो इजी वन, 24। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? करेक्ट आंसर वुड बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपन। देन वी हैव द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसकी है? आई एम अ सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन एंड आई एम नो बिलीवर इन किंग्स एंड प्रिंसेस। ये किससे एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू।
गांधी इरविन पैक्ट 1931 5th मार्च. हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये किसके द्वारा करी गई थी? दिस वाज मैडम एच पी ब्लेवेट्सकी. द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एंड कर्नल ऑलकॉट इन, कहां पर करी गई थी? न्यूयॉर्क में 1875 में. इन 1882 द हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन अडयार नियर मद्रास, जो कि अब चेन्नई है. देन वी हैव पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग इन 1940. इसको और क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाहौर रेजोल्यूशन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, तो ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था राजा राम मोहन रॉय को. ठीक है, अब इनका इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है. साइमन कमीशन 1927 में, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, इनकरेक्ट के साथ साथ हमको भी देखना है कि करेक्ट क्या है. सॉल्ट सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, क्विट इंडिया मूवमेंट 1941, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट स्टार्टेड इन 1942. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, तो इस सिस्टम को कहा जाता था रेयोतवारी सिस्टम. राइट, रेयोतवारी सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है. चलिए, हु वॉज रिगार्डेड बाय गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल गुरु, तो गांधी जी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे. देन वी हैव व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, तो उन्होंने क्यों सपोर्ट करा था? क्योंकि ही वॉन्टेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, यूनिटी चाहते थे वो उस टाइम पे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे प्राइम मिनिस्टर क्लिमेंट एटली. देन वी हैव नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही लेफ्ट द कांग्रेस, तो ये थी फॉरवर्ड ब्लॉक. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन वी हैव द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डीमार्केटेड बाय, ये थी, ये थे सर सिरिल रेडक्लिफ, इसलिए इस लाइन को रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है. केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. देन वी हैव हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ आफ्टर लॉर्ड माउंट बैटन, तो लॉर्ड माउंट बैटन के बाद जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे राजगोपालाचारी जी. भगत सिंह वॉज सेंटेंस टू डेथ, तो भगत सिंह को डेथ सेंटेंस दिया गया था, ये तो हम सबको पता है, लेकिन वो कौन सा केस था जिसमें उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था? आइदर इट वॉज मेरठ कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, कराची कॉन्स्पिरेसी या फिर नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया था टिल डेथ, लेकिन किस केस के लिए करा गया था? इट वॉज फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. ठीक है, एंड नन ऑफ दीज. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी, अगर देखा जाए, अगर आपके पास ऑप्शन में हो, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. ठीक है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946. Then we have the Indian leader credited with the interpretation of princely state into India after the independence. तो ये किसने परफॉर्म करी थी ड्यूटी? ये थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की जिम्मेदारी ली थी. ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड द ब्रिटिश मिनिस्टर अनाउंस्ड हिज कम्युनल अवार्ड इन द ईयर, तो ये कब करा गया था? इट वॉज इन द ईयर 1932. हु वॉज कॉल्ड एज द आयरन मैन, ये हम सबको पता ही है, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल. व्हेन डिड रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट इन बॉम्बे टुक प्लेस, सो दिस वाज 1946. देन वी हैव बंगाल वाज पार्टीशनड, ये बंगाल जो है 1905 में पार्टीशन हुआ था, और उस टाइम के जो वाइस रॉय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया, ये कौन थे? इनमें से कोई से भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ठीक है, हु प्रपाउंडेड द थ्योरी, अब ये जो थ्योरी है जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हमारे
दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द थ्री, इनमें जितने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उनमें से तीनों की तीनों किसने अटेंड करी थी? वॉज बी आर अम्बेडकर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? सो ये करा गया था बाय सैयद हैदर रजा। वॉट आर द मौले मिंटो रिफॉर्म्स? ये मौले मिंटो रिफॉर्म्स है जो 1909 में आए थे, ठीक है, और ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं इसके सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के लिए, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? ठीक है, ये किसने प्रपाउंड करी थी? दिस वॉज प्रपाउंडेड बाय अरविंदो घोष। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, सो इट वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद, ये करी गई थी बाय विद जमींदार, और जमींदार कहाँ के? बंगाल के, बिहार के और ओडिशा के। देन वी हैव वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो ये हुआ था बॉम्बे में, साल था 1885। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? सो इट वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस फॉर फ्रेमिंग द एजुकेशन मेन्यूट? सो ही वॉज लॉर्ड मैकले, लॉर्ड मैकले ने ये स्टार्ट करी थी। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? सो ये थे हमारे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन तो है कि अबॉलिश किसने करा था, आप लोगों को पता लगाना है कि ये इंट्रोड्यूस किसने करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड इन, ये हुआ था 1916 में। जगह पूछी जा रही है तो जगह थी लखनऊ। लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ठीक है, कहां पर? लखनऊ में, और दिसंबर 1916। इंपॉर्टेंट सेशन था ये, याद रखिएगा। इन हूज रेन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? सो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन इंडिया थॉमस बेविंगटन मैकॉले वॉज फुल्ली क्रेडिटेड विद द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो उन मैकॉले ने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन जो नेसेसरी ऑर्डर्स थे सब्जेक्ट के वो इश्यू करे गए थे बाय लॉर्ड बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 7th मार्च 1835 आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉन्ग रिटोरिकल मिन्यूट रिटन बाय द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब मैकॉले, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू दादाभाई नरोजी स्वराज, तो दादाभाई नरोजी के हिसाब से स्वराज का क्या मतलब था? तो स्वराज का मतलब था उनके हिसाब से सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल। देन वी हैव द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, तो ये कौन थे हमारे? ये थे हमारे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, कहां पर? ये करा गया था लाहौर 1929 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट इंपॉर्टेंट। डेट थी 31st दिसंबर 1929 ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टू प्लेस इन द ईयर, ये हुई थी 1919 में एंड द डेट वॉज 13th अप्रैल। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये किसके द्वारा रिपील करा गया था? सो इट वॉज बाय लॉर्ड रिपन। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि बॉम्बे 1885 में हुई थी, वो करी गई थी 72 डेलीगेट्स के द्वारा। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये किसकी लाइन्स थी, ये किसकी वर्डिंग्स थी? दिस वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। देन वी हैव द 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको बोला जाता है मिंटो मॉर्ले, ये ए नहीं ओ होगा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। और जो 1919 में लाए गए थे उनको क्या बोला जाता है, प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल द ट्राइकलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रावी एज द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, दिस वॉज 31st दिसंबर 1929। हु सेड द इंडियाज सोल लिव्स इन विलेजेस, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ बंगाल एंड इंडिया, तो बंगाल के हैं हमारे लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स, ठीक है, और इंडिया के पूछे जाए तो वो है लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है,
और ये किस ऑर्डर टू डिपोज वाजिद अली शाह ऑन द अकाउंट ऑफ एलिज्ड इंटरनल मिसरूल, ठीक है, इंटरनल मिसरूल, ठीक है। दिस वॉज इन द लाइन्स विद डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन विच ब्रिटिश वुड टेक ओवर अ किंगडम इफ देयर वॉज मिसरूल। ऑल्सो द किंगडम ऑफ अवध वॉज एनेक्स्ड इन फेब्रवरी 1856, ठीक है। तो अगर मिसरूल होता था तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर वो जो स्टेट होता था उसको एक तरह से एनेक्स कर लिया जाता था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। तो यहाँ पर ऑप्शन में अशफाकुल्ला दे रखा है, द करेक्ट आंसर वुड बी अशफाकुल्ला। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज मॉडरेट, तो मॉडरेट इनमें से कौन नहीं थे, नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर वुड बी बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट थे और बाकी के जितने ऑप्शन है देवेर अमंग द मॉडरेट्स। देन वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कि नाइटहुड तो रिजेक्ट करा ही था एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजिशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कौन थे हमारे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद, ये थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स टू ईज द प्लाइट ऑफ द लोकल इंडियंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द वाइसरॉय। चीफ अमंग दिस रिफॉर्म्स वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द ब्रिटिश इंडिया। फॉर दिस ही इज नोन एज द गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इसके लिए इसको इनको गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन रिस्पॉन्स टू, ये किया था उन्होंने जवाल जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये हैं हमारे लॉर्ड डलहौजी। चलिए, आफ्टर गांधीजीज अरेस्ट हु रिप्लेस्ड हिम एज द लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह, तो ये कौन थे, ये थे अब्बास तैयब जी। एट द सेम टाइम ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी द मूवमेंट वॉज टेकन ओवर बाय अब्बास तैयब जी। द सॉल्ट सत्याग्रह बिगैन ऑन मार्च 12, 1930। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकटा टू डेली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो ये किसके टेन्योर की बात है, लॉर्ड हार्डिंग। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो ये कौन थे, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे ब्रिटिशर्स में से। द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड ऑन, तो ये किसको दिया गया था, लाला लाजपत राय जी को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम भी कहा जाता है। Then we have who gave the slogan do or die, तो ये सबको पता है, ये हमारे गांधी जी द्वारा दिया गया था। काकोरी ट्रेन रॉबरी वॉज हैपन्ड इन विच ईयर, कौन से साल की बात है, द ईयर वॉज 1925। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ सोलो एयर फ्लाइट, तो ये थे हमारे JRD टाटा, ठीक है। वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ सोलो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू कराची इन 1931। एयर ट्रांसपोर्ट इन 1935 टाटा एयरलाइंस started its operation between Mumbai and Thiruvananthapuram and in 1937 between Mumbai and Delhi. Airways in India started in 1911. Long Walk to Freedom is the autobiography of which one of the following Bharat Ratna recipients? So, ye kiski hai? The correct answer is Nelson Mandela. Right? Nelson Mandela. Then we have Chipko movement was basically against, किसके against था, this was against deforestation. It was a non-violent agitation that originated in Uttar Pradesh Chamoli district. अब ये Chamoli district आज की date में उत्तराखंड में आता है, ठीक है। और ये कब की बात है, 1973. Which freedom fighter authored the book Discovery of India? तो ये famous book है काफी, और ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑथर करी गई है। विच नॉवल रविंद्रनाथ टैगोर वन द नोबल प्राइज फॉर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज गीतांजलि, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी, करेक्ट आंसर क्या है,
2-3-1, सबसे पहले पूना पैक्ट, देन देर इज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड एट लास्ट द अगस्त ऑफर. हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क. ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी. देन वी हैव द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी 1904 में, ये करी गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, जिनको वीडी सावरकर भी बोला जाता है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बोला जाता था खान अब्दुल गफार खान को, ही वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी. ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, वॉज अ ग्रेट 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु वेज्ड अ स्ट्रगल फॉर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल कॉज, तो ये इन्होंने करा था विडो रिमैरिज के अगेंस्ट, ठीक है, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट करा था एजुकेशन ऑफ वुमेन्स के लिए भी, ठीक है, बट प्राइमरली विडोज ऑफ रिमैरिज इनका मेन एजेंडा था. न्यू इंडिया एंड कॉमन वील न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट करे गए थे, ये करे गए थे एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है. द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इकलौता ऐसा सेशन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड करा गया था, इट वॉज द बेलगाम सेशन, ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा करा गया था, दिस वॉज डन बाय विठल रामजी शिंदे, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय जी को. Then we have which of the following was the immediate cause of Quit India Movement? तो immediate cause जो था इसका वो था failure of Cripps Mission. Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence? तो Indian National Congress के president कौन थे उस time पर? होते J.B. Kriplani. ठीक है? J.B. Kriplani is the correct answer. Then we have Ahilya Bai, the saintly queen of Maheshwar. ये किसी कौन सी dynasty को belong करती थी? So belong to the होलकर डायनेस्टी. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी, तो ये कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, लोकहितवादी. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द तत्व बोधिनी सभा इन 1839 एट कैलकटा, ये करी गई थी बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट, तो इनसे कौन एसोसिएटेड है, हेनरी विवियन डेरोजियो. Then who among the following establishes Mukti Mission in Pune? So correct answer would be Pandit Ramabai. In 1898, Pandit Ramabai set up the Mukti Mission in Khedagaon in Pune. The mission sheltered widows and poor women and encouraged them to become literate and financial independent. Who among the following founded the Nirankari Movement? ये किसके द्वारा करा गया था? It was by Baba Dayal Singh. Then All India Harijan Sangh, ये कब establish किया गया था? So the year was 1932. Azad Hind was created with the assistance of, किसकी assistance के द्वारा ये बना गया था? So they were Japan. The French Revolution took place in the year 1789. Then which of the following years 26th January was celebrated as Independence Day? So the year was 1930. And the last question is सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, तो सती किसके द्वारा प्रोहिबिट करी गई थी, बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट. चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हमने कोशिश करी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी हाई है वो कवर करे हैं. आई होप यू लाइक द सेशन एंड आज की वीडियो में इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच.